नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिल से दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, होली स्पेशल गुंजिया तो आज मैं बना रही हूं गुंजिया। आप सबके यहाँ भी होली पर गुंजिया ही बनती होगी। तो मैं सिंपल गुंजिया बना रही हूँ, बिना चाशनी वाली। पहले मैं चाशनी वाली बनाती थी, लेकिन इस बार मैं बिना चाशनी की बना रही हूँ। तो उसकी मैंने तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, जिसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। और इसका मुझे 250 ग्राम मावा निकालना है। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब इसको लगातार हमें चलाते रहना है, ताकि दूध नीचे पैन में लगने ना पाए। बस हमें इसको लगातार चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम आपने यहाँ मीडियम ही रखना है, क्योंकि धीमी आंच पर ही हमें अच्छा मावा निकालना है। ज़्यादा जल्दी नहीं करना, गैस का फ्लेम आपने यहाँ पर हाई बिल्कुल भी मत करना। तो थोड़ा टाइम लगता है मावा निकालने में, क्योंकि गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम है। और धीरे धीरे हम इसको निकालेंगे, बहुत ही अच्छा मावा निकलेगा। देखिए, साइडों में जो दूध लग जाता है उसको भी मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। इसमें मिला लेंगे, साइडों में जो दूध लगा हुआ है, मलाई आ जाती है, उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ धीरे धीरे पकाना हमें इसको। ये देखिए, दूध कितना कम हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मावा, दानेदार अच्छा मावा निकालना हमें इसका। ये देखिए, मावा निकल कर तैयार हो गया है। अब इसको हमें अच्छे से और भूनना है, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इसको। ये देखिए, 1-2 मिनट इसको मैं और भूनूंगी। अभी थोड़ा और भूनना है इसको, अभी लाइट ब्राउन है ये, थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है इसको हमें। हमें लगातार देखिए भून चुका है मावा हमारा, बस इतना ही भूनना हमें इसको। अब इसको मैं इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल लूँगी, और उसमें सूजी भूननी है मुझे। यहाँ चम्मच, 1 चम्मच मैंने घी डाल लिया है इसमें। अब 150 ग्राम मैंने यहाँ सूजी ली है, इसको भी मैंने अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन करना है इसको। मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना इसको। ये देखिए, हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है सूजी। इसको मैं अलग बर्तन में निकालूंगी ठंडा करने के लिए। और इसी पैन में मैं अब थोड़े से ना ड्राई फ्रूट हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ मैंने 50-50 ग्राम ड्राई फ्रूट लिया है, 50 ग्राम मैंने काजू, 50 ग्राम बादाम और किशमिश ली है मैंने। तो इनको मैंने काजू और बादाम को मैं भून लूँगी पैन में, थोड़ा क्रिस्पी होने तक इनको भूनना है। आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं, मैंने बिना घी के ही भूना है इसको। हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। इनको मैं भून लूँगी और उसी बर्तन में निकालूंगी जिसमें मैंने सूजी निकाली ठंडा करने के लिए। सभी एक बर्तन में हमें इनको मिक्स करना है। ये देखिए, ये मावा भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, जो मावा ठंडा हो गया था उसको मैंने मिक्स करके इसमें मिला दिया है सारा। अब सारी सामग्री हमें एक साथ मिलाकर, और किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी है। अब सारी सामग्री एक साथ मिला दी है मैंने इसमें। आप चाहें तो इसमें बूरा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें चीनी पीस कर डाली थी। अब वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालें इसमें। ये देखिए, ये मैंने इलायची के बीज, 8-10 मैंने इलायची ली थी, जिनको मैंने बारीक बारीक पीस कर डाल दिया इसमें बीज गून के। और मैंने 1 कटोरी पीसी चीनी डाली है। और देखिए, अच्छे से मिला लिया मैंने इसको। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो मैदा, ग्राम के हिसाब से 500 ग्राम मैदा लिया मैंने। और यहाँ 1/2 कटोरी मैंने देसी घी लिया है, जिसमें हमें इसका डो बनाकर अच्छे से तैयार करना है गुंजिया का। अब इसमें मिला देंगे हम इसको, और इसको आपने गुनगुने पानी से गूंदना है। इसका जो आपको डो बनाकर तैयार करना है गुंजिया का, बहुत ही अच्छा डो बनाना आपने इसको। तो उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, घी को और मैदे को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। ये देखिए, मैं बहुत ही अच्छी तरह से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे मसल मसल के मिलाना, हाथों से मसलना है इसको आपने, और खूब ही अच्छे से आपको मिलाते रहना है। देखिए, मुट्ठी से हमारी देखिए बंदगी, तो बहुत ही अच्छा था, मतलब तैयार हो गया हमारा ये। और ये गुनगुना पानी लिया है मैंने, पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें डालना है। हमने डो ऐसा तैयार करना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, अच्छा डो बनना चाहिए। देखिए, थोड़ा टाइट सा ही रखना चाहिए डो, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। पर ये देखिए, थोड़ा सॉफ्ट है, टाइट है डो जो हमने बनाकर तैयार किया गुंजिया के लिए। अब थोड़ा इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, उसके बाद हम इसको बाद में चेक करेंगे 15-20 मिनट बाद। ये देखिए, मैंने इसको ढककर रख दिया है यहाँ पर कपड़े से। अब देखिए, 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और मसल लेते हैं हम, जो हमने डो तैयार करा था। ये देखिए, हमने इसको मसल लिया अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा हम जैसे पूरी की लोई बनाते हैं ना, ऐसे इसकी थोड़ी सी हमने तोड़नी है, लोइयाँ बनानी है इसकी छोटी छोटी, वो आप अपने हिसाब से बनाइए, आप कैसे भी बनाइए। ये देखिए, हमने सारी वो तोड़ ली है लोई इसकी। पहले हम लोग सांचे से बनाते थे, जो भी हम गुंजिया बनाते थे, लेकिन इस बार मैंने हाथों से बनाई है। पहली बार ट्राई करा मैंने हाथों से गुंजिया,
पहले मैंने कभी हाथों से नहीं बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अब आपको बता रही हूँ, ये आप मैंने बना ली। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है, ये देखिए। अब मैंने, क्योंकि हमें एक ही शेप की बनानी है सारी गुंजिया, तो मैंने इसलिए कटोरी से बीच में गोल शेप दे दी इसको। साइड से जो आटा है वो निकाल देंगे अपना। अब देखिए इतनी बड़ी शेप आई। शेप आप मतलब इसको छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा बेल सकते हैं, बेलन से थोड़ा छोटा साइज ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और देखिए साइडों में इसके किनारियाँ जो हैं उसमें पानी लगा लीजिए आप, उंगली की सहायता से पानी लगाकर इसको बंद करना है, नहीं तो सारा ही जो हमने मसाला डाला है इसमें ये सारा बाहर निकल जाएगा अगर पानी नहीं लगाएंगे तो। हमें देखिए इसको साइडों से अच्छे से दबा लीजिए आप, बहुत ही अच्छे से दबाना है इसको। ये देखिए साइडों से मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको दबाया है, ताकि ये, क्योंकि हम जब उसमें तलेंगे ना तेल में, तो ये कहीं फट ना जाए, साइड से निकल ना जाए सारा मसाला इसका। ये देखिए पानी लिया मैंने। अब देखिए उसको ऐसे थोड़ा एक हाथ से आपने इसको दबाते रहना, अंगूठे से नीचे दबाना है इसको, दोनों उंगलियों से आपने ऐसे करते डिजाइन बनाना, मतलब जो गुंजे का डिजाइन होता है ना वो बना रहे हम साइड में। देखिए नीचे से आप अंगूठे से इसको दबाते जाइए, सारी गुंजे आपने ऐसे ही बनाकर तैयार करनी है। देखिए गुंजे हमारी बनकर तैयार है, सारी आपने एक ही शेप की गुंजे बनानी है। देखिए कितनी अच्छी, पहली बार ट्राई करी है मैंने इसको हाथ से, नहीं तो मैं सांचे से बनाती थी इसको हमेशा, तो बहुत अच्छी गुंजियाँ बनी है सारी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, सारी हाथ से बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। यहाँ तेल गरम कर लिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपने तलना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेम आप करेंगे गैस का तो अंदर से सिक जाएंगे, मतलब कच्ची रह जाएंगी, बाहर से वो सिक जाएंगी, तो बिल्कुल लो ही रखना आपने गैस का फ्लेम। यहाँ पर बहुत धीमी आँच पर सेकना आपने, धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं करनी है गैस आपने। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत, मतलब देखो कितना अच्छा यही कलर रखना हमने गुंजिया का, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना इसका कलर, हमने बहुत ही लाइट ब्राउन कलर करना है गुंजिया का, बहुत अच्छा कलर आया देखिए। तो फ्रेंड्स आप गुंजिया कैसे बनाते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स अब इनको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैं सर्विंग प्लेट तैयार कर लिया है, उसमें निकालूंगी इनको। देखिए बहुत ही अच्छी गुंजिया बनकर हमारी तैयार हुई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ सर्विंग प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ इनको। देखिए आप चाहे तो चाशनी वाली भी इनको बना सकते हैं, चाशनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत से लोगों को चाशनी वाली बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना और अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।